हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अंडे पराठे की रेसिपी शेयर करूंगा, जो बहुत ही सिंपल और इजी है बनाने के लिए। यह खाने में बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसमें तेल का यूज़ भी बहुत कम होता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। यह रेसिपी बनाने के लिए मैंने दो अंडों का यूज़ किया है, बाउल लिया है और अंडों को इसमें तोड़ लिया है। इसमें हाफ टी स्पून नमक डाला है, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है और एक चम्मच कटा हुआ धनिया डाला है। अब हम अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें सारी सामग्री मिक्स हो जाए। तो मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक कप दूध, और दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हम दूध को अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप दूध अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारे इस बैटर में लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बैटर बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। और एक चम्मच ऑयल ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए ये बैटर बिल्कुल लम्स फ्री हो गया है। अब हम अपने बैटर को एक गिलास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब हमने जो बैटर रेडी किया है इसको हम पैन में डालेंगे, और मेरा पैन साइज में बड़ा है तो मैं इसके अनुसार बैटर डाल रहा हूँ। इसको हमें धीमी आंच पर पकाना है और दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। हम पराठे को अच्छी तरह से दबा दबा कर पका लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए पराठे पर कितना अच्छा कलर आया है। अब इसी तरह से जो हमारा बचा हुआ बैटर है उसका भी हम पराठा बना लेंगे। आप इस बैटर से दो पराठे इजीली बना सकते हैं। हमें पराठे को अच्छी तरह से दबा दबा कर सेकना है ताकि ये किनारे से भी अच्छी तरह से सिक जाए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट और नरम है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।